शाला पिंड के पार में टपकते छत के नीचे शिक्षा ले रहे नौनियाल बच्चे शिक्षकों ने कहा मजबूर है यहाँ पढ़ाने को। वर्तमान समय में 5G की दुनिया में बच्चों को छत नसीब नहीं हो रही है। कुछ ऐसा ही मामला उपवा संकुल के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पिंड के पार में देखा गया, जहां शाला के लगभग 4 कमरे हैं, जो चारों कमरे बरसात के दिनों में छत टपकती रहती है और कमरों की दीवारों में दरार आ पड़ी है। वहीं शिक्षिका लीला राठौर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अनेक बार संबंधित अधिकारियों को तथा ग्राम पंचायत को प्रस्ताव भेजा गया है कि नया भवन बनाने की मांग की गई, लेकिन आज दिनांक तक नया भवन निर्माण नहीं किया गया है। हम क्षतिग्रस्त भवन में बच्चों को शिक्षा देने के लिए मजबूर है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा श्रीमती लीला राठौर। क्या करते हैं आप? मैं प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शाला पिंड के बारे में पदस्थ हूँ। कौन से पद पर? प्राथमिक शिक्षा के पद पर। प्राथमिक शिक्षा पद पर। क्या समस्या है यहाँ पर? सर यहाँ पर बिल्डिंग अभी बरसात में के पानी से इधर सामने से झकोर मारता है, पूरा अंदर पानी आता है, ऊपर से भी सीपेज मारता है, पूरी दीवारें गीली हो रही है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं, ना हमको बैठने की जगह नहीं है। बस एक कमरे में थोड़ी सी जगह, आधा कमरा ठीक है, उसमें हम बच्चों को बैठाते हैं और हम भी बैठते हैं। बिल्डिंग की प्लास्टर भी हो सकता है, कभी कुछ दुर्घटना भी हो सकती है इससे। ओ, प्लास्टर भी गिरते जा रहे हैं। प्लास्टर भी गिर रहा है ऊपर का। अच्छा, और क्या समस्या बता? और शाला में शौचालय मूत्रालय नहीं है, अभी बरसात का मौसम है, कई कभी पेटी से लग जाती है बच्चों को, हमको भी कभी कुछ हो गया तो हमको जाने के लिए शौचालय मूत्रालय नहीं है। एक तो हम महिला टीचर हैं यहाँ पर, दो दो महिलाएं टीचर हैं और बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको रोड में हम भेज भी नहीं सकते, सामने से बसें गाड़ियों का आना जाना रहता है, तो ये दिक्कत है। तो ये दिक्कतों का हम लोग सामना कर रहे हैं, इसका निराकरण आप लोग मीडिया के माध्यम से शासन तक पहुँचाएँ और इसका निराकरण करवाएँ। उकवा से अशोक राउत। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरें पसंद आए तो खबरें शेयर करें।